टी20 क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है और आईपीएल ऑक्शन में कौन से वो युवा भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होंगे जिन पर इस बार नजर रहेगी। चलिए आपको बताते हैं कुछ खिलाड़ियों के बारे में जो इस बार आईपीएल ऑक्शन में बड़ी कमाई करके जा सकते हैं। तो 7-8 खिलाड़ी मैंने पिक किए हैं जो टॉप प्लेयर रहेंगे मेरी लिस्ट में, जिसमें सबसे पहला नाम मैंने पिक किया है अवनी सुधा। उत्तराखंड से आते हैं युवा खिलाड़ी 22 साल के और इनका प्रदर्शन इस साल विजय जारे ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त रहा, साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी अच्छी गई और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव ये जहां रहे वो था अंडर 23 का नेशनल कप, जहां पर इन्होंने अपनी टीम उत्तराखंड को फाइनल तक पहुंचाया। विजय जारे ट्रॉफी की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मैचेज में 253 रन, 42 की एवरेज, साथ में ऑफ स्पिनर भी हैं, 8 विकेट इन्होंने लिए हैं, बल्कि इन्होंने अपने आप को रजिस्टर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन किया है, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो मल्टी स्किल्ड प्लेयर हैं, कुछ भी करवा लीजिए, जिस तरह की जरूरत आपकी टीम को रहेगी वो काम करके दे सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे तो 6 मैचेज में 248 रन, 50 की एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है रोहन कुन्नुमल, केरला से खेलते हैं। परफॉर्मेंस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंसेस इनकी बड़े मैचेस में रही हैं। फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो 8 मैचेस में 240 रन, 35 की एवरेज और 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट, जो कि एवरेज कहा जाएगा। विजय जारे ट्रॉफी की बात करें तो 245 रन, 85 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इस सीज़न की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस जो इनकी आई वो आई देवधर ट्रॉफी के फाइनल में, जब इन्होंने 78 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और उसके बाद क्वार्टर फाइनल के मैच में केरला के लिए इन्होंने 83 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। तो दो बड़ी परफॉर्मेंस दो बड़े मैचेस में आई, बड़े फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज हैं, शायद नंबर्स में अभी भी उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत इंप्रेसिव बैट्समैन रहे इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्किल और इन टर्म्स ऑफ जो फ्लुएंसी रही है इनकी बल्लेबाजी में वो बहुत कमाल की रही है। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उनका नाम है प्रियांश आर्या, दिल्ली से खेलने वाला युवा खिलाड़ी 22 साल का। इस सीजन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बैट्समैन कोई युवा खिलाड़ी लगा है तो वो प्रियांश आर्या। नंबर्स में शायद इनके लिए भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 7 मैचेस के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 222 रन हैं, 32 की एवरेज है, 167 का स्ट्राइक रेट है, 250 है, और वो 250 दो बड़ी टीमों के खिलाफ आए, बेहतर गेंदबाजी अटैक के सामने आए, जिस तरह से वो रन स्कोर किए गए, कई बार स्पेशल प्लेयर जब आपको दिखता है ना तो आपको देख के पता लग जाता है उसका बैट स्विंग, खेलने का तरीका, उसके शॉट्स, पावर, वो सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा दे देती हैं कि इस खिलाड़ी में टैलेंट कितना है। इन पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी किया था जिसमें ये किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से इनसाइड आउट शॉट मारते हैं, किस तरह से ये पिकअप शॉट्स मारते हैं, उस सब पर मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के लिए मुझे लगता है कि टीमें बड़ी बोली लगाएंगी। एज ग्रुप क्रिकेट में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इस बार जो है वो विजय जारे ट्रॉफी में उस प्रदर्शन को जरूर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, लास्ट में नौबत यहां तक आ गई थी कि इनको ड्रॉप करना पड़ा था, लेकिन टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है इनके पास। उसके बाद बात करते हैं यूपी से आने वाले स्वास्तिक चिकारा की, 18 साल का ये लड़का, और इन्होंने यूपी टी20 के पहले सीजन में जो आग लगाई, 456 रन किए इन्होंने 189 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 3 सेंचुरीज थी। उसके बाद अगर इनकी विजय जारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो 6 मैचेज में 200 रन किए, 34 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट और 1 सेंचुरी यूपी के लिए इनके बल्ले से यहां भी निकली है। तो युवा खिलाड़ी जिस तरह से इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में और यूपी टी20 लीग में परफॉर्म किया है, कोई ना कोई खरीदार तो जरूर इनके लिए भी देख रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पर विभ्रांत शर्मा की, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का भी हिस्सा ये रहे थे और पिछले सीजन जब इनको मौका मिला तो एक अच्छी पारी इनके बल्ले से देखने को मिली थी। इस बार विजय जारे ट्रॉफी में 6 मैचेज में 313 रन, 52 की एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट और 2 बड़ी इंप्रेसिव पारियां थी इनके बल्ले से, एक तो 144 रन की और एक 81 रन की, बाकी लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी प्लेयर हो सकते हैं। आपको एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करता है, ओपनिंग कर सकता है, इवन आप नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, ये पिछले सीजन्स में भी बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए नंबर 6 पर, मैंने एक ऐसे खिलाड़ी को पिक किया है, शायद मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि नंबर्स में कुछ नहीं है,
टैलेंट की बात लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो किया था और इसमें कुछ खिलाड़ियों के नंबर्स बताए थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, जहां पर नंबर्स के नाम पर उन पे कुछ नहीं था। तो लोगों ने ये कहा कि यार उन खिलाड़ियों को टैलेंट के बेसिस पर पिक किया गया होगा। अब पिछले 10 साल में मुझे ये बताइए कितने ऐसे खिलाड़ी आए हैं आईपीएल में जो बहुत टैलेंटेड थे और आगे निकल गए। वो जब परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं होती ना, तो फिर वो ऊपर के लेवल पर भी नहीं ही देखने को मिलती है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक या दो खिलाड़ी जिनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं थी, टैलेंट के बेसिस पर आए थे, आईपीएल खेले और फिर इंडिया खेल गए और बहुत आगे निकल गए। ऐसा बहुत रेयर कोई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल नमन धीर की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास के नंबर इनके बहुत आउटस्टैंडिंग है और उसी खेल को देख करके मैं इनको हाईली रेट करता हूँ। 8 मैचेस में इन्होंने 417 रन किए थे, 42 की एवरेज थी, 200 और 150। लेकिन इस बार जब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले तो पंजाब की टीम का एक टेम्पलेट था, जो आप इंग्लैंड की क्रिकेट का टेम्पलेट आप जो कह सकते हैं, उस तरह से खेले, वो चैंपियन भी बने। नमन धीर को उन्होंने शुरू में खिलाया तो इनको देख के मेरे को क्या लगा, बड़े टेक्निकली साउंड बैट्समैन हैं। उसके बाद जो एक अच्छा बेस वाला बैट्समैन होता है, जो एक्सटेंशन ऑफ ड्राइव को अपने अपर शॉट में कन्वर्ट करता है, जो लंबे छक्के लगाता है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी इनकी बल्लेबाजी में, जिस तरह से पावर जनरेट करते हैं, शेप अच्छा मेंटेन करते हैं, फॉल शॉट आपको इनसे कम देखने को मिलेंगे, वी में खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड छक्के लगाते हैं, अच्छी रीच है, अच्छी हाइट है इनके पास, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट क्लास के नंबर भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं, टेक्निक बहुत अच्छी है। उतने सक्सेसफुल ये T20 में नहीं रहे थे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जो टेक्निकल इक्विपमेंट इनके पास है, साथ में जो बाकी चीज़ें इनके साथ जुड़ती हैं, एक इंप्रेसिव प्लेयर इस सीजन हो सकते हैं। उसके बाद एक और युवा खिलाड़ी 21 साल के अजितेश गुरुस्वामी, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में इस साल ये हाईएस्ट रन गेटर थे, जिसमें इन्होंने 385 रन बनाए, 64 की एवरेज, 163 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 350 इनके बल्ले से निकले। साथ में अगर इनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ओवरऑल देखेंगे, क्योंकि पिछले साल कुछ मैचेस खेले थे, इस साल तो बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही, तो 162 के आसपास का स्ट्राइक रेट वहां पर भी है। इनका टेम्परामेंट बहुत कमाल का रहा है और साथ में इनकी जो हिटिंग एबिलिटी है छक्के लगाने की, वो बड़ी कमाल की रही है, जिसने बहुत इंप्रेस किया था TNPL के इस सीजन के दौरान। साथ में एक और बोनस खिलाड़ी आपको और बता देता हूं, 8वें नंबर पर विनीत धनखड़। आई एम नॉट श्योर कि किस नंबर पर ये बल्लेबाजी करेंगे, बट विजय हजारे ट्रॉफी में इस सीजन सबसे इंप्रेसिव डेब्यू अगर किसी का रहा है तो वो 19 साल के विनीत धनखड़ का रहा है, जिन्होंने अपने पहले या दूसरे मैच में जब टीम के 4 विकेट गिर गए और पूरी तरह से टीम डाउन एंड आउट थी, आके 78 गेंदों पर जो 104 रन की पारी खेली वो बहुत इंप्रेसिव थी, टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, काउंटर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लेयर के माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनकी जो हिटिंग एबिलिटी और रेंज उन्होंने चौके छक्कों की दिखाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों ये टोटल 8 खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के हैं, उनको मैंने पिक किया है। आप भी बताइए कौन सा खिलाड़ी इसमें से आप अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइजी में देखना चाहते हैं। वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।